आज इंडियन कन्स्टिट्यूशन टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आम आलोचना करवा गत दुईट भिडियो में टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करेंगे। हाई स्कूल टीचर सहित अन्य समस्त प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत मात्रा प्रजोज्य आपण मैंने केवल ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़क आम आलोचना कर समस्त प्रकार 100 कि 500 एयरसोर क्वेश्चन गुड़क आम आलोचना करूँ केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़क आम आलोचना करूँ जहाँकि परीक्षा आसवा बहुत संभावना रही परीक्षा को बेस करिए टॉप 20 क्वेश्चन आम नहीं आस देखा आपर प्रथम क्वेश्चन कौन रही हू हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया तो जेकोसी कोर्टे जो कौन केस अच्छी जेको मत में ट्रांसफर करोटी मत ट्रांसफर करोर्ट को ट्रांसफर कर मैं पावर क्या पाखे अच्छी तो अपसन गुड़ी आप प्रथम अपसन रही सुप्रीम कोर्ट द्वितीय हाइकोर्ट द्वितीय लोकाल कोर्ट एवं थार्ड रही सरी फोर्थ रही आपर पंचायत रही तो सठिक उत्तर आप रट नंबर ए हाइकोर्ट तो हाइकोर्ट सरी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी रही जेको तल कोर्ट केस को जेको कोर्ट को निज पाख को विचार कर पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द डेस्क अथवा यदि भारत प्रेसिडेंट रिजाइन करने को चाहिए पदर से क्या एड्रेस रेजिग्नेशन लेटर देते तो ऑप्शन गुड़ रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन बी रही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर तो सठिक उत्तर रहा आप ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट अथवा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति रेजिग्नेशन एड्रेस कर लिखे इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन तो सॉरी क्वेश्चन को पुनः रिपीट हो जाएगी तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा सर्वमोट सभ्य संख्या के ऑप्शन ए रही 220, 200, 250 तो यार सठिक उत्तर रही आपने समस्त जानते 250 राज्यसभा सभ्य संख्या होती 250 जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन रिच सॉरी इन इन रिच तो पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटी गुड़ को वर्णना कर जाए ऑप्शन ए 4, 4, 1, 4, 2, 5 तो सठिक उत्तर देव पार्ट 4 ए रे वर्णना कर जाए पार्ट 4 ए रे फंडामेंटल ड्यूटी वर्णना कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैं जो अमेंडमेंट होता तेस्तम संविधान संशोधन होता वाज ब्रॉट इन फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी गुड़िक जो अमेंडमेंट होता कौ आर्टिकल मेंशन कर ऑप्शन गुड़िक रही आर्टिकल 47 आर्टिकल 40 आर्टिकल 45 एवं आर्टिकल 46 तर करेक्ट उत्तर रहा आपन नंबर बी आर्टिकल 40 रे वर्णना कर संविधान संशोधन होता जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी संपर्क आर्टिकल 40 रे वर्णना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द राइट टू क्रिएट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अथवा कोऑपरेटिव सोसाइटी किपर भाव में हम आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे तार नियमवली गुड़िक कौटी वर्णना करो आर्टिकल वर्णना कर 19, 1, C, 20, 19 एवं 19 B तार सठिक उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए 19, 19 1 C रे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी संपर्क में वर्णना करें कोऑपरेटिव सोसाइटी आपरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कौन कौन
क्राइटेरिया रही है यार फंक्शन संपर्क आलोचना करेक्शन देखा नेम ऑफ द फर्स्ट डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत प्रथम कृषक प्रधानमंत्री नाम कौन डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर नाम कौन हियर बी डीबी महेश्वर आर एन शुक्ला सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर डी सरदार सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल हूँ भाई पटेल हूँ आपर प्रथम डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पंचायत राज दिन पंचायत राज तालिका डिजिटल लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं यूनियन लिस्ट तो आम सठिक उत्तर जो रहा है ऑप्शन नंबर सी पंचायत राज सिस्टम आपर स्टेट लिस्ट अथवा राज्य तालिकाभुक्त पंचायत राज सिस्टम नेक्स्ट दस नंबर क्वेश्चन देखा इज अ जुडिशियरी ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट तार जुडिशियरी आता है कौ क्षेत्र अधिकार सॉरी कौ क्षेत्र में आता है नागालैंड अरुणाचल प्रदेश आसाम और ऑल ऑफ द अबव तो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर डी जे गुवाहाटी हाईकोर्ट उभय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश एवं आसाम ये तीनो जाक को तार सेवा प्रदान करछिबा एही तीनोटी जाक गुवाहाटी हाईकोर्ट अंडर रे आसुछन्ती नेक्स्ट व्हिच इलेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो अछन्ती एमानक भितरु को इलेक्शन टी आंकर क्षेत्र अधिकार रे आसुनाय बा आंकु किछि लिंक नथाय प्रेसिडेंट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी ऑफ द स्टेट और ऑल अबव एबव तो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी पंचायत एवं म्युनिसिपालिटी जो स्टेट मानक थाए तार इलेक्शन पाई यूनियन इलेक्शन कमिशन किसी लिंक न थाए ता स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करथंती नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन बी कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 30 सॉरी 352 अथवा 352 धारा अनुसार ओवर द कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ द इट अथवा क्यों कारण को नहीं क्यों कारण को नहीं जातीय इमरजेंसी घोषणा करि परंते पूरा समग्र राष्ट्र रे बा गुटे राष्ट्र रे कोनसी गुटे राज्य रे घोषणा कर पारंते किंतु नेशनल इमरजेंसी कथा को आइछि स्टेट इमरजेंसी नहीं नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल जो 30 सॉरी आर्टिकल 352 अथवा 352 धारा अनुसार कोडर तो ए भितर को कारण थिले नेशनल इमरजेंसी लगे पारे तो ऑप्शन गुड होती एक्सटर्नल अटैक आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल डिस्टरबेंस और बोथ ए और एक और दुई अथवा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी अथवा कौनसी प्रकार आपण मानकर एक्सटर्नल अटैक होगा आर्म रिबेलियन जदि हेतिबो ए दुईटा कारण रु राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषणा कर पारंदी धारा 352 अनुसार तो 352 होची नेशनल इमरजेंसी एवं 354 होची स्टेट इमरजेंसी एवं आपण मानकर 360 होची आपण मानकर इकोनॉमिकली बा आपण मानकर आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा कर पारंती राष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच हाईकोर्ट हैज द लार्जेस्ट जुडिशियल एरिया एमानक भितर को हाईकोर्ट रो अधिक जुडिशियल एरिया रही प्रथम रही बॉम्बे हाईकोर्ट द्वितीय रही गुवाहाटी हाईकोर्ट अलाहाबाद हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट तो सठिक ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी हाईकोर्ट आम ऑप्शन रे देखी थे नेक्स्ट पूर्व क्वेश्चन देखी थे गुवाहाटी हाईकोर्ट कौ कौ सब राज्य तार सेवा प्रदान करुछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम व्हिच सॉरी व्हिच स्टेटमेंट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम इज ऑन्ट्रियो
तो ये जो स्टेटमेंट मानक मधर कौटा प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस द्वारा मान ऑफिस सत नुह इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट इज द स्टाफिंग एजेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द डिपार्टमेंट देर इज नो अटैच्ड एंड ए सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर इट तर सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर ए इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो पीएमओ ऑफिस गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह संवैधानिक बॉडी नुह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम मेनी की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविजनल ऑटोनॉमी और बिकामेरल सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्ट 1947 तर सठिक उत्तर रहा 1947 रो इंडियन इंडिया इंडिपेंडेंट आक्ट रही से आम फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविंसियल ऑटोनॉमी एवं बिकामेरल सेंट्रल लेजिस्लेचर एवं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ए सब जो स्ट्रक्चर गुड़िक संविधान जो वर्णना कर तार वैशिष्ट्य गुड़िक ताहमें इंडियन इंडिपेंडेंस आक्ट 1947 आम इनआक्ट कर डेराइव कर नेक्स्ट व्हिच वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भारतीय संविधान प्रणयन सभा जो होता प्रथम केबे तार प्रथम बैठक बसला 9 December 1946 26 January 1950 एवं 20 July 1950 and 26 January 1950 तार सठिक उत्तर रहा 9 December 1946 एटा को मन रखिबे आपण एटा ठीक दे पारे एटा भूल दे पारे एटा ठीक दे पारे एटा मतलब भूल दे पारे आपण मानको ऑप्शन रे कन्फ्यूजन करिया पे या परे 9 December 1946 रे भारतीय संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक बसला 9 December 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम नॉन ग्रांटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द आरटीआई एक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथवा नॉन ग्रांटेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नॉन ग्रांटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानकु आरटीआई रु बाद दे जाइछि को आर्टिकल माध्यम रे आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 1 सी एवं आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30 1 तो आर सठिक उत्तर रहइबो आर्टिकल 30 1 रे वर्णना करा जाइछि जे नॉन ग्रांटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माननकु आरटीआई रु बाद दे जाइछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मे व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ओब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी अथवा छुआ छुतुटा को आर्टिकल माध्यम रे बाद दिया जाइछि ओब्लिगेशन करा जाइछि आर्टिकल 20 आर्टिकल 19 आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 तो सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर डी जाकि आर्टिकल 17 अनुसार ओब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी अथवा छुआ छुतु को आर्टिकल 17 अनुसार बाद दिया जाइछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी अथवा माइनॉरिटी मानकर संख्यालघु मानकर को आर्टिकल बल रे तांको इंटरेस्ट को सुरक्षित करा जायछि आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 तो सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 29 माध्यम रे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बा आर्टिकल 29 कोन कहे ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन बा आज पाइन लास्ट क्वेश्चन देखिबा मे व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो क्यों
आर्टिकल माध्यम रे पार्लियामेंट को पावर दिया जाय छि संविधान अमेंडमेंट करे बा संविधान संशोधन करे पे। तो ऑप्शन नंबर बी आर सटीक उत्तर 370 धारा अनुसार तो डबल ऑप्शन रह जाय छि आपन मन कर 370 तो 370 धारा अनुसार संविधान आपन मन कर संविधान को अमेंडमेंट करि परबा संशोधन करि परबा के ना पार्लियामेंट। तो आज पई एथिला 20 टी क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा को बेस कर आम 20 क्वेश्चन बाची बाची आप आनी निपंक सहयोग कर आशा करूँ। तो आगक यही समस्त टॉपिक उपर आम 2020 एमसीक्यू क्वेश्चन आनबू आम चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखुद वीडियो गुड़ को लाइक करेंगे दरकारी लोकों पाक आपयर करेंगे। तेज यह वीडियो रही नमस्कार बंदोत्कृत।